बोलो गणेश जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको 18वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। व्यास बोला, हे मुने, मुझ पापी और दुष्ट बुद्धि पर आपने बड़ी दया की। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट हो, अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त ना हो। व्याध की ऐसी बातें सुन संख मुनि बोले, हे व्याध, यहाँ धूप बहुत तपती है, ना यहाँ छाया है ना पानी, कहीं दूसरी छाया की जगह में चलकर जल पीकर स्वस्थ चित्त हो। तेरे सामने विष्णु भगवान के माधव मास का महत्व जो पाप नाशक है वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुन व्याध वहाँ से थोड़ी दूर पर एक निर्मल सरोवर पर ले गया, जहाँ पर जल के जीव बुगला, राजहंस आदि तथा मगरमच्छ आदि सरोवर में शोभा दे रहे थे, तथा कुमुदिनी, कोकनद आदि अनेक प्रकार के कमल शोभा दे रहे हैं, भौरे गुंजार रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, किनारे पर बांस के वृक्ष तथा बड़ कदंब इमली तथा सुगंधित वृक्ष आदि चारों ओर शोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरण, शुक्र, सिंह, सुर, गाय, खच्चर आदि विचर रहे हैं, बंदर, लंगूर आदि छलांग मार रहे हैं, प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। मुनि ने उस रमणीक सरोवर में जाकर स्नान किया और वस्त्र धारण कर नित्यकर्म पूजन आदि से निश्चिंत हो फल खाए। फिर शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगे कि तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो? धर्म बहुत हैं और उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाख धर्म थोड़ा है, मगर अत्यंत फलदायक है। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा हो पूछो। तब हाथ जोड़कर व्याध बोला, हे महाराज, मुझको कौन सा कर्म करने में तमोगुणमयी यह व्याध योनि मिली, और किस कर्म से तेरी ऐसी बुद्धि हो गई जो महात्मा की संगति हुई? हे प्रभु, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृतांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, तू साकल नगर में पहले वेद पाठी ब्राह्मण था, तेरा नाम स्तंभ था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ। एक वैश्या से तेरा प्रेम था, उसी की संगति के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी, किंतु तेरी स्त्री ब्राह्मणी बड़ी रूपवती थी। वह वैश्य सहित तुझ नीच की सेवा किया करती थी और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती थी। जब इसी तरह सेवा करते करते बहुत समय बीत गया, तब एक दिन तूने भैंस का दूध पिया, मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाप और तिल खाए। इस भोजन से बुखार और वमन होने लगी और दारुण भगंदर रोग हो गया, जिससे घोर वेदना होने लगी। जब एक तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहीं रही, फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई, तो तुझे घोर गुणा उत्पन्न हुई और रोग से अत्यंत दुखी हो दीनवाणी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो गृहस्थ प्राणी अपनी पत्नी का मान नहीं करते, वे 15 जन्म प्रतन होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित हो, तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनित भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब उसके स्वामी ने ऐसा कहा तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता तथा लज्जा मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया। मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, उनके भोगने से कुछ दुख नहीं है।
ऐसे दुखों को सहन कर वही साध्वी स्त्री और उत्तम पुरुष है। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह विष्णु भगवान की भी पूजा और तेरी सेवा लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध करके और तेरे जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग तेरे दुख में दुखी वो कहने लगी, हे पितृ स्वरो, तुम मेरे पति की रक्षा कर, रोगहीन और पाप रहित करो। और चंडिका श्री गणेश जी शनिदेव जी से प्रार्थना करती थी कि मेरे पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे वह देवी प्रतिदिन किया करती थी। तब एक दिन देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या समय घर पर आए। तब तेरी स्त्री ने रोगनाशक वेद समझकर उनके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को तेरी आज्ञा लेकर शरबत पिलाया, जिससे उनको शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन बाद तुझे शनिपात हो गया। तब तेरी स्त्री ने त्रिकुटा पिलाया तो तूने उसकी उंगली काट दी। तू अपनी सुंदर सैया पर उसी वैश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री देख अपना कंकण बेचकर बहुत सा ईंधन लाई। विशाल चिता बना बीच में तुझे रखकर तेरे रोग पीड़ित शरीर का अग्नि संस्कार किया और स्वयं भी उसी अग्नि में सती हो गई। वह शरीर त्याग पति का विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से योगियों की सी दुर्लभ गति उसे मिल गई। और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याध का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त में सदा उद्वेग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान करने की आज्ञा दी और मुनि के चरण धोने का पापनाशक जल मस्तक पर छिड़का। उससे तेरी ऐसी बुद्धि हुई और संगति प्राप्त हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे वे सब तुझे बतलाए और जो कुछ तुझे गुप्त वार्ता पूछनी हो वह तू पूछ। तेरा मन शुद्ध हो गया। हे महात्मे, तेरा कल्याण हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि नारायण नारायण।